हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मारिया जाहिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो है एक बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन के बारे में। मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये कोई ऐसी फाउंडेशन तो है नहीं कि जिसके बारे में, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है कि जिसके बारे में किसी को पता ना हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस फाउंडेशन के बारे में। ये ब्रांड मैक है, मैक की ये फाउंडेशन है, और इसके अंदर मेरा शेड है NC15। सो आज मैं इस फाउंडेशन के बारे में आपको बताऊंगी, हमसे क्या क्या प्रॉमिस कर रही है हम वो भी बताएंगे आपको। इस 24 आवर वेयर बिल्डेबल फुल मैट कवरेज ऑयल ऑब्लिक शाइन कंट्रोल फाउंडेशन, ठीक है जी। तो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जी ये 24 घंटे आपके चेहरे के ऊपर लगी रहेगी और बहुत ज़बरदस्त मैट कवरेज देगी, और ऑयल और शाइन कंट्रोल है फाउंडेशन ये, यानी कि आपके चेहरे पे आने वाले ऑयल को भी कंट्रोल करेगी और शाइन को भी। स्टूडियो फिक्स फ्लोएट SPF 15 के साथ ये फाउंडेशन है, जो कि 30 ml की क्वांटिटी में है, और NC15 मेरा शेड है। ब्रांड ये मैक है, और ये इसकी ग्लास बॉटल है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन। इसके क्या रीजंस हैं? इसके रीजंस बहुत आसान से, अच्छा सबसे पहले तो इसके ऊपर लिखा है जी शेक वेल, सो यू हैव टू शेक इट वेल बिफोर यूजिंग इट। और दूसरी बात ये, इस ये मुझे क्यों पसंद है, अभी मैंने यही फाउंडेशन से मेकअप किया हुआ है। इसकी सबसे बेस्ट बात मैं आपको बताऊं क्या है, कि ये बहुत इजीली ब्लेंडेबल फाउंडेशन है, ये आपको हार्ड टाइम नहीं देती है, ठीक है। कुछ फाउंडेशन ऐसी हैं जिनके ऑफ कोर्स रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, दे आर लाइक हाई एंड ब्रांड्स की वो फाउंडेशन है, उनके रिजल्ट अमेजिंग है, बट वो थोड़ा सा हार्ड टाइम देती हैं। लाइक वो एक होती है ना, एक एक्सपर्ट फाउंडेशन जो कि एक एक्सपर्ट मेकअप एक्सपर्ट यूज करे, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको वाकई टाइम लगता है थोड़ा सा करने में, बट मैक इज वन ऑफ दो कि कोई भी इजीली इससे मेकअप कर सकता है। इट इज रियली इजीली ब्लेंडेबल फाउंडेशन। अच्छा, अब जहां इसकी शेड रेंज की बात की जाए तो इसके शेड रेंज अच्छे खासे हैं। मेरे जो है, मेरा जो शेड है वो NC15 है, और मेरी एक मीडियम फेयर टोन है। अगर मुझसे लाइट किसी का रंग है ज्यादा गोरा है तो वो NC10 या NC5 पे जाएगा, मुझसे डार्कर टोन होती जाएगी तो 20, 25, 30, 40, 35, इस तरीके से फिर आप इसकी फाउंडेशन के शेड को चूज कर सकते हैं। मगर मोस्टली एशियन टोन्स के साथ जो जा रही होती है वो NC10, NC15, 20 और 25 जा रही होती है। अच्छा, फाउंडेशन के ऊपर वीडियो करने की वजह एक ये भी है कि मेरी बहुत सारी व्यूअर्स मुझसे रिक्वेस्ट करती थी कि मारिया डू टेल अस द शेड्स ऑफ योर फाउंडेशंस एंड कंसीलर्स। सो मैंने कहा चलो अच्छा है, मैं एक एक करके आपको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताती भी जाऊंगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैं शेड्स यूज़ कर रही हूँ, मेरे उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा है। सही है, बिकॉज मारिया जाहिद जो मेरा चैनल है, यहाँ पे हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मेकअप, लव, फन, ट्रैवल, ट्रिप्स, फूड, एवरीथिंग, बिकॉज वी आर हेयर टू सेलिब्रेट व्हाट, सेल्फ केयर, यस। सो लेट्स ओपन इट। ये इस तरीके से ये है, इट स्मेल्स गुड, इट स्मेल्स एक्सपेंसिव, एंड आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल अमाउंट एज आई डोंट नीड दैट मच। ओप्स, ओके, लेट मी शो यू। सो अगर आप इसका ये टेक्सचर देखें, इट इज अ वेरी क्रीमी टेक्सचर, सही है। और ग्लास बॉटल है तो थोड़ा सा हमें इसको ख्याल रखना पड़ता है इसका, ठीक है। और इसके अलावा अब हम इसको ब्लेंड, अगर हम इसको आपको मैं ब्लेंडिंग करके दिखाऊं, आई डोंट नो आपको ऐसे ज़्यादा सही नज़र आ रहा है, कैसे ज़्यादा सही नज़र आ रहा है, ऐसे नज़र आ रहा है, तो ये देखें आप, बहुत ईजीली ये ब्लेंड हो गई है, ये देखें, विद इन नो टाइम। आई मीन अगर मैंने अपने फेसबुक पेज का ना लिंक दिया हुआ है, अगर उस लिंक पे जाओगे तो आपको आज 7 सितंबर 2022 की वीडियो लाइव जो नजर आएगा, उसके अंदर मैंने मेकअप इसी फाउंडेशन से किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बहुत दफा किया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। सो इट इज अ रियली इजीली ब्लेंडेबल फाउंडेशन, मतलब आप देखें रिजल्ट, आई विश टू शो यू लाइक दिस, ये देखें, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको ये भी जरूर कहूंगी कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योर अमाउंट इन अ गुड फाउंडेशन इन अ गुड ब्रांड, देन मैक कैन बी योर चॉइस। इट इज अ वर्थ बाइंग फाउंडेशन, और इफ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट इन अ गुड फाउंडेशन, सो मैक इज अ गुड ब्रांड। आप अगर 6-7 हजार रुपए की, 8 हजार रुपए की फाउंडेशन आपने लेनी है, वैसे तो ये 6.5-7-8 हजार रुपए की रेंज के अंदर आती है। अगर ये आपको मिल जाती है इस रेंज में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग इसको बहुत महंगा भी बेच रहे हैं और कुछ लोग इसको
6,000 का भी बेच रहे हैं, सही है। सो आपको अगर ये फाउंडेशन मिल जाती है, अगर आपने एक अमाउंट लगानी है, इन्वेस्ट करनी है, तो मैक इज अ गुड ब्रांड। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि मारिया आप इतने सारे ब्रांड्स यूज करती हैं, ड्रग स्टोर के हो या हाई एंड हो, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? यार मैं ये कहती हूँ कि देखें, हमें एक दूसरे से डिस्कस जरूर करना चाहिए, बिकॉज चाहे हम जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मेकअप के 100 ब्रांड है ना दुनिया में, तो एटलीस्ट आप 100 के 100 अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट 40 से 45 ब्रांड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब भले आपके पास 10 से 15 क्यों ना इन हैंड हो, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास 10 15 है, 5 भी है, तो कोई बात नहीं। बट अगर आपको नॉलेज है 40 से 45 ब्रांड्स की, तो इट मीन्स लाइक यो हनी सिंह, बिकॉज अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी देखने वाली ऑडियंस अगर कभी भी यूं करके बैठी हो, आपस में कोई महफिल लगी हो, किटी पार्टी चल रही हो, तो उसके अंदर मेरी ऑडियंस यूं सुन रही हो। एटलीस्ट यू शुड हैव सम वर्ड्स टू डिस्कस अबाउट दैट प्रोडक्ट और दैट थिंग और दैट टॉपिक। फाउंडेशन को काबू की ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपने करना क्या है, आपने ब्यूटी ब्लेंडर को हल्का सा डैम करना है और उसके बाद इसके ऊपर लगा के इसको ऐसे सेट कर लेना है फेस के ऊपर, तो आपकी फाउंडेशन लॉक हो जाएगी। उसके बाद आपने बेकिंग का प्रोसेस करना है एंड देन यू आर डन। सो आई एम हेयर टू शो यू टू गिव यू द रिव्यू अबाउट मैक फाउंडेशन एंड माई शेड इज NC15। तो वो तमाम लोग जिनको लगता है कि उनकी रंगत मेरी तरह है, आप बिल्कुल इस फाउंडेशन को चूज कर सकते हैं। मैं आपको इसका स्वैच अपने फेस पे भी दिखाती हूँ। यू कैन सी विद इन नो टाइम ब्लेंड हो गई है। इसके बाद आपने करना है बेकिंग का प्रोसेस, कॉन्टोर, और उसके बाद यू आर डन, सही है। तो मैंने आपको दो जगह पे, इधर मेरा ब्लशन लगा हुआ है तो मैंने इसलिए यहां और यहां पे आपको ब्लेंड करके दिखाई है कि आप ये देख सकते हैं कितनी फ्लॉलेसली ये ब्लेंड हो गई है, यहां पे भी और यहां पे भी, सही है। सो दैट्स व्हाई आई लाइक मैक फाउंडेशन। सो जब भी कोई मेरा बहुत स्पेशल इवेंट होता है, व्हेन एवर आई वॉन्ट और आई वॉन्ट टू फील सो गुड एंड I want to feel so, you know, classy. So I choose MAC foundation and because daily basis के ऊपर जो मैं foundation use करती हूँ, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। But ये MAC की foundation मैं daily basis पे नहीं use करती हूँ, और ये मैं तब तब use करती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है, special कोई event होता है, किसी भी खास जगह पे जाना होता है, तो मैं MAC की foundation use करती हूँ, जहाँ पे मुझे lasting long चाहिए होती है अपने foundation की, अपने makeup की। It's really very nice. I'm obsessed with the कवरेज ऑफ मैक फाउंडेशन। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माई ऑल सोशल हैंडल, जिसके अंदर टिकटॉक भी है, इंस्टाग्राम मारिया जाहिद ऑफिशियल के नाम से, फेसबुक पेज मारियाज कलेक्शन बाय मारिया जाहिद। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरह के मजेदार और अमेजिंग प्रोडक्ट्स के रिव्यूज आपके पास लेकर आती रहूंगी। लेकिन आपने काम क्या करना है, आपने मेरे इस चैनल का फैमिली मेंबर बनना है। वो किस तरह बनना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई रिव्यू चाहते हैं, सो डू कमेंट मी, मैं आपको सुन रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।